हेलो साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। एक और नए क्वेश्चन के साथ मैं आ गया हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रल दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपका इज इक्वल्स टू आएगा एम फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन रेज टू पावर एम प्लस वन। तो इसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। इसमें ध्यान ये आपको रखना है कि n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर 1 हो जाएगी तो ये डिफाइन नहीं होगा, 0 आ जाएगा नीचे। और m और n दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो क्या मान लेते हैं, i m कॉमा n इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं कि अच्छा रहेगा, दिखेगा आपको अच्छे से। आई एम एन इज इक्व टू इंटीग्रेशन वन से इंफिनिटी, थिकनेस तो नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, लॉग एक्स का पावर एम है और इसको लिखते हैं एक्स रेज टू पावर माइनस एन डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एग्जैक्ट आंसर तो आता नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है तो अपने को क्या करना है, एक सीरीज टाइप का आएगा इसमें, तो वो सीरीज ही निकालना है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसमें अपने को बाई पार्ट्स यूज करना होगा। बाई पार्ट्स यूज करेंगे, कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, बाई पार्ट्स यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, लिमिट इसमें क्या होने वाला है, वन से इन्फिनिटी, माइनस ऑफ का इंटीग्रल ऑफ वन से इन्फिनिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा एम लॉग एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाई एक्स। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे, एक्चुअली चैन रूल यूज करना है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस इसका डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन अपॉन माइनस एन प्लस वन इंटू डी एक्स। तो ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से मेरे पास आएगा आई एम एन इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो ये इन्फिनिटी इसमें, यहाँ पे लिमिट डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैंने इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी में आएगा लॉग इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर इन्फिनिटी, तो यही आ जाए, ये जीरो आ जाएगा। एक्चुअली आप जब इन्फिनिटी रखेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्स रेज टू पावर एन इसमें उसको जीरो बना देगा। तो जीरो, ये जीरो आएगा, वन रखने पे लॉग वन क्या होता है, जीरो है, एक में जीरो इसके वजह से आएगा वन बाई एक्स रेज टू पावर एन के वजह से, और एक में लॉग एक्स के वजह से जीरो आएगा। इन्फिनिटी रखेंगे तो आएगा वन बाई एक्स रेज टू पावर इन्फिनिटी, जो जीरो आ जाएगा, और वन रखने पर जीरो। माइनस क्या करना है, इसमें से कॉमन लेते हैं m अपॉन वन माइनस एन, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन वन से इन्फिनिटी, मैं इसको लिख सकता हूँ log x पावर m माइनस वन। अब ध्यान से अगर कोई देखे तो इसमें पता चलेगा x का पावर, इसको माइनस वन लिख सकते, तो ऊपर ले जाके इसमें ऐड कर लेते हैं, तो अपने पास आएगा x पावर माइनस वन माइनस एन प्लस वन डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू आएगा माइनस एम अपॉन वन माइनस एन इंटीग्रेशन वन से इन्फिनिटी, ये आ गया आपके पास लॉग ऑफ का एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स रेज टू पावर माइनस एन, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाइए तो आपके पास ये मिलेगा। तो फाइनली अपने पास मिल गया आई एम एन इज इक्वल्स टू, इसको अब क्या करता हूँ, मैं माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो एम अपॉन एन माइनस वन इंटीग्रेशन वन से इन्फिनिटी लॉग ऑफ का एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। अब कोई भी ध्यान से अगर यहाँ पे देखेगा तो देखो, यहाँ पे पावर m था, ऊपर वाले में पावर m है एंड n है, तो आई एम एन माना है आपने,
तो ये यहाँ पे पावर क्या है, m माइनस वन है एंड n है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ आई m माइनस वन कॉमा n। तो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया। तो आई थिंक ये अब समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं अपन, इसका आराम से एक्सपेंड कर सकते हो। अब कोई बोलेगा कि सर एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, तो ध्यान से देखिए आप, ध्यान से आपको ये देखना है। आई एम एन ये किसके इक्वल है, ये है एम अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। तो अब इसको क्या, इसका एक्सपेंशन लिखो। तो जब एम एन था तो एम अपॉन एन माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें अगर ऐसे लिख सकता हूँ ना, एम माइनस वन, ध्यान से सुनना, एक एक क्या करो डिक्रीज करते जाओ, एन माइनस वन आएगा, एम है उसके बाद में क्या आएगा, एम माइनस वन आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई एम माइनस टू। इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, एम अपॉन एन माइनस वन इंटू एम माइनस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एम माइनस टू अपॉन एन माइनस वन, सॉरी यहाँ पे कॉमा, आपका कॉमा भी आएगा यहाँ पे, एन आएगा कॉमा एन, एम माइनस एन कॉमा एन, यह आएगा आई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अब एम माइनस थ्री एन। तो इसको मतलब ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर आगे चलोगे आप, देखो तो एक एक डिक्रीज हो रहा है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ आई एम एन को ऐसे लिख सकता हूँ, एम से स्टार्ट होगा, एक एक डिक्रीज होता जाएगा, एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस थ्री, एम माइनस फोर एंड सो ऑन। अब देखिए एम कहाँ तक जा सकता है, अगर किसी बच्चे को पता हो तो एम मैक्सिमम नेचुरल नंबर है ना, तो वन तक जा सकता है, वन तक जाएगा। जब एम वन तक लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और एन आ जाएगा। जीरो क्यों आएगा, बिकॉज स्टार्ट हमने एम माइनस वन से किया था, ठीक है। तो ये जीरो आ जाएगा और नीचे जो आएगा आपके पास, नीचे क्या आ जाएगा मेरा, सिंपली आ जाएगा एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन एंड सो ऑन एम टाइम्स, एम टाइम्स। तो यहाँ से अपने को क्या मिलने वाला है, अपने को मिलेगा आई एम कॉमा एन, और ये देखो वन से स्टार्ट हुआ है, एम तक मल्टीप्लाई हो गया है, तो दिस इज गोइंग टू बी एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा आपका, एन माइनस वन रेज टू पावर एम, और ये आएगा आई जीरो से एन। सो ये अपने पास एक अच्छा सा रिजल्ट आ गया, डिराइव हो गया। तो इसका मतलब मैं फाइनली, अब यहाँ से देखो एक और चीज़, एक जो हमको रिजल्ट पता होता है उसका रिजल्ट अपन निकालते हैं। अगर किसी ने पूछा कि अच्छा आई जीरो से एन क्या होगा, इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि वन से इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर माइनस एन डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा। तो आराम से आप निकाल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, लिमिट वन से इन्फिनिटी डाल दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा वन अपॉन एन माइनस वन आ जाएगा। तो ये फार्मूला ऐसे यूजफुल है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि फाइनल रिजल्ट का क्या आया है, कि इंटीग्रेशन वन से इन्फिनिटी लॉग ऑफ का एक्स रेज टू पावर एम अपॉन एक्स रेज टू पावर ऑफ का एन डी एक्स, इसकी जो वैल्यू आती है वो आता है अपना एम फैक्टोरियल अपॉन का एन माइनस वन रेज टू पावर एम इंटू आई जीरो से एन। तो ये अपना रिजल्ट आ गया, बहुत ही सुंदर रिजल्ट आ गया। अगर इसको चाहो आप तो कहीं भी यूज कर सकते हो, इसको आप चाहो कहीं भी यूज कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी देखो, इस टाइप का सीरीज आपको बार बार देखने का मिलेगा, साइन एक्स रेज टू पावर एन, सॉरी साइन रेज टू पावर एन, कॉस रेज टू पावर एन, ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सब में ऐसे टाइप का सीरीज आ जाता है। उसमें लिमिट रखते हैं जीरो से पाई बाई टू रखते हैं यूजुअली। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ,
मैंने पहले ऐसा लिख के फिर बाय पार्ट्स यूज किया। बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर लिमिट लगा दो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूजिंग चैन रूल कर लो, और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इसको मैंने यहाँ पे लिमिट डालने के बाद जीरो आ गया, बच गया ये। इसका कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास ये आ गया। अब मैंने देखा कि आई एम एन में क्या था, पावर एम एन एन था, और यहाँ पे आया एम माइनस वन एन, तो ये हो जाएगा आई एम माइनस एन एम माइनस वन एन एन। इसके बाद में देखो जब यहाँ पे एम है, जब यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एम माइनस वन है, एन के एन में तो कोई चेंज है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैंने एम माइनस वन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, एम माइनस टू आएगा। यहाँ पे एम माइनस थ्री लिया तो यहाँ पे एम माइनस टू आएगा। तो वैसे ही लिख लिया मैंने, इसको पूरा ही एक्सपेंड कर दिया, एम फिर एम माइनस वन एम माइनस टू। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ये जा सकता है आपका जीरो तक जा सकता है। तो किसी को लगे सर जीरो तक कैसे जा सकता है, क्योंकि एम एक नेचुरल नंबर है। तो अगर आप वन से लेके एम तक जाओगे तो एम माइनस वन होगा ना, वो लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करते करते जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास, फाइनली अपने को ये रिजल्ट मिल गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद जय भारत।